वेलकम टू द पेपर क्रिएशन। और आज हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई हेयर क्लिप। तो सबसे पहले हमने वैक्सिंग स्ट्रिप पे बटरफ्लाई का आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है, और अब इस आउटलाइन के ऊपर जितना आउटलाइन पार्ट है बटरफ्लाई का, उस पर मैं 6000 ग्लू लगा के राइमस्टोन से उसको पूरा कवर कर दूंगी। सो पूरा आउटलाइन बटरफ्लाई का हमें 6000 ग्लू लगा के राइमस्टोन चेन लगा के कवर कर लेना है। सो ये धीरे धीरे काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ हमें कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटरफ्लाई का अपर विंग्स कर रही हूँ। सो बटरफ्लाई का अपर विंग्स करने के बाद जो राइमस्टोन चेन है एक्स्ट्रा, उसको कट कर लेंगे। फिर नीचे वाले बटरफ्लाई के विंग्स में सेम इसी तरीके से हम 6000 ग्लू लगा लेंगे। आप 7000 भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसको राइमस्टोन चेन से अच्छे से कवर कर लेंगे। नीचे के विंग्स को भी अच्छे से आउटलाइन कर लेना है राइमस्टोन चेन से। और ठीक इसी तरीके से जो बटरफ्लाई का अदर हाफ है वहाँ पे भी हम ग्लू लगा के और राइमस्टोन चेन लगा के पूरे बटरफ्लाई का आउटलाइन तैयार कर लेंगे। और फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो नीचे के विंग्स है उनमें हम कुछ ब्रोकन स्टोन्स लेंगे। यहाँ पर मैंने रेड कलर का लिया है, तो ये ब्रोकन स्टोन हम नीचे के साइड में चिपका लेंगे। और सेम इसी तरीके से जो ऊपर के विंग्स हैं उनमें भी हम कुछ ब्रोकन स्टोन्स लेंगे और ऊपर के साइड में उन्हें अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि ये ब्रोकन स्टोन्स हैं तो इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसलिए हमने उसके प्लेसेस फिक्स कर लिए हैं। अब जो बाकी स्पेस है वहाँ पर हम जो मल्टी कलर बीड्स है मिक्स, उनको वहाँ पे फिल कर देंगे। और मेक श्योर करेंगे कि कहीं आसपास में ज़्यादा जगह ना छूटी और वो पूरे तरह से कॉम्पैक्टली फिल हो, कहीं पे भी स्पेस ना छूटा हो। तो नीचे के सेकंड विंग में भी हम सेम कर लेंगे, मल्टी कलर स्टोन्स या बीड्स लेके उनको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और पूरे स्पेस को फुल्ली फिल कर लेंगे। पूरे अच्छे से पूरे प्लेस को अच्छे से फिल कर लेना है। और अगर आपको कहीं खाली जगह दिखता है तो वहाँ पे और एक दो बीड ऐड करके उस प्लेस को फिक्स कर लेना है और अच्छी तरीके से बीड्स को उनके जगह पे फिक्स कर देना है। सो इस तरीके से नीचे के दोनों विंग्स हो गए। अब ऊपर के विंग्स के लिए मैंने ये किया है कि जो ब्लू ब्रोकन स्टोन्स है उसके अगल बगल में ब्लू बीड से पूरा मैंने आउटलाइन कर दिया है दोनों विंग्स में। सेम ब्लू स्टोन के अगल बगल में पूरा ब्लू बीड्स लगा के उसको पूरे तरीके से ब्लू कलर से आउटलाइन कर दिया है। सो उसमें थोड़ा ब्लूइश पार्ट ज़्यादा रहे और वो और अच्छा दिखे। एंड ये करने के बाद फिर जो बाकी स्पेस है वहाँ पे फिर से मैंने ग्लू फिल करके जो मल्टी कलर स्टोन हमने नीचे के विंग्स में यूज़ किए थे सेम बीट्स हम ऊपर के विंग्स में भी स्टोन करके कर लेंगे। प्लस उस मल्टी कलर स्टोन में मैंने ब्लू कलर भी ऐड कर दिया है ताकि वो थोड़ा ब्लूइश लगे। सो इस तरीके से हमने अपर के विंग्स को भी दोनों विंग्स बना लेने हैं। और फिर जब हमारा बटरफ्लाई पूरा रेडी हो जाएगा तो इसे कट करके बाहर निकाल लेना है। अभी जो कटिंग वाला पार्ट है वो आराम से धीरे धीरे करना है ताकि कहीं पे भी एक्सेस पेपर ना दिखे। और पूरा अच्छे से कट करके प्रॉपरली बटरफ्लाई शेप में इसको निकाल लेना है।
अब इस तरीके से कट आउट करके हमारा बटरफ्लाई रेडी है। देन इसके बाद मैंने क्या किया है कि जो आउटलाइन था उसको मैंने बॉल चेन से कवर कर दिया है, ताकि जो वो पेपर का अनफिनिश पार्ट है वो कवर हो जाए और हमारा बटरफ्लाई एक्स्ट्रा फिनिश के साथ दिखे। फिर मैं पीछे हेयर क्लिप को भी 6000 ग्लू से ही उसमें अटैच कर दिया है, और इस तरीके से ये हमारा बटरफ्लाई हेयर क्लिप रेडी हो गया है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बी 6000 ग्लू को फिक्स होने के लिए 1 आवर लगता है अच्छे से पूरा फुल्ली, सो उसके बाद आप इसको कैसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट।